जय श्री महाकाल दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे पास है पंचमुखी रुद्राक्ष है। ये सभी अच्छी क्वालिटी में आप देख सकते हैं। और आज हम करने जा रहे हैं वाटर टेस्ट, देखते हैं ये सभी ओरिजिनल रुद्राक्ष है पंचमुखी नेपाली। इन पर हम वाटर टेस्ट कर रहे हैं, देखते हैं ये रुद्राक्ष पानी में डूबते हैं या तैरते हैं। मैंने देखा काफ़ी लोग ये बताते हैं, जो लोग जो कि ऊपर आते हैं रुद्राक्ष, वो डुप्लीकेट होते हैं। तो हम ट्राई करते हैं। देखिए सभी नेपाली रुद्राक्ष हैं और सभी ओरिजिनल है। देखिए कुछ, अब 4 दाने तो हमारे ऊपर आ चुके हैं, 5 दाने, अब देखते हैं। ये जबकि सभी एक ही फल से निकले हैं, एक ही वृक्ष से निकले हैं, सभी फल में से निकले हैं रुद्राक्ष, फिर भी आप देख सकते हैं कुछ रुद्राक्ष ऐसे हैं जो तैर रहे हैं और कुछ रुद्राक्ष डूब चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि रुद्राक्ष डुप्लीकेट हैं, ये भी ओरिजिनल रुद्राक्ष है, बस इनका वजन हल्का हो सकता है और जो रुद्राक्ष अंदर जा चुके हैं पानी में वो भारी होंगे। और जितने रुद्राक्ष ऊपर आ रहे हैं सब हल्के रुद्राक्ष हैं, मतलब इनका वेट कम होगा। अगर हम इनका वेट करेंगे तो मिनिमम 1 ग्राम होंगे, हाँ, इस वजह से ये हल्के हैं। देखिए, और जितने भी रुद्राक्ष अंदर डूब चुके हैं सब हैवी हैं, इनका वेट मिनिमम 2 से 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम तक होगा। ये देखिए काफी रुद्राक्ष ऊपर आते जा रहे हैं। हम सभी डाल देते हैं। देखिए इतने सारे रुद्राक्ष ऊपर आ चुके हैं। ये भी सभी नेपाली रुद्राक्ष हैं, बस ये हल्के होने की वजह से तैरते हैं। जो भी आपसे कहते हैं कि जो रुद्राक्ष ऊपर आता है वो डुप्लीकेट होता है, तो ऐसी बातों पर आप ध्यान ना दें। जो भी रुद्राक्ष हल्का होगा वो तैरेगा और जो भारी होगा वो डूब जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू। जय श्री महाकाल।